भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए आश्वस्त थी कि उन्हें इस बार 2022 के चुनाव में महिलाओं का वोट काफ़ी ज़्यादा मिला है और जिसका परिणाम ये हुआ कि 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। यहाँ पर तमाम महिला समर्थक भारतीय जनता पार्टी की मौजूद हैं जो इकाना स्टेडियम में उस दृश्य के साक्षी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के समारोह की साक्षी बनने आई थी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे महिलाओं के आखिर ऐसे कौन से मुद्दे थे जिस पे भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। जी, क्या लगता है आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने फिर से शपथ ग्रहण की, महिलाओं के ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनका उन्हें फायदा मिला? सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का पढ़ाना, बेटी को आगे बढ़ाना। क्या कहना, महिलाओं को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला है वो सम्मान किसी भी पार्टी में अभी तक नहीं मिला था। महिलाएं अपने आप को सशक्तिकरण महसूस कर रही हैं अपना, तो भारतीय जनता पार्टी में महसूस कर रही हैं। महिलाएं घर की स्वामिनी महिलाएं बनाई गई हैं, राशन कार्ड की स्वामी महिलाएं हैं, गैस कनेक्शन की स्वामी जो महिलाएं हैं, आजकल जो स्कूल में भी एडमिशन हो रहा है वहाँ पर भी माँ का नाम पहले लिया जाता है बाद में फादर का नाम लिखा जाता है, तो इसमें महिलाओं का ही सशक्तिकरण हुआ। अभी तक महिलाएँ सिर्फ घर को ही संभालने वाली मानी जाती थी, भाजपा सरकार में महिलाएं काफ़ी आगे गई हैं और अपने अपने अस्तित्व को पहचानने लगी हैं। एक मेगा इवेंट था यहाँ पर, अगर कहा जाए तो यहाँ पर VVIP कार्यक्रम था और बहुत बड़ा इवेंट था। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जिस तरह से प्राथमिकता दी गई है, क्या लगता है कि इसे प्राथमिकताओं पर क्या कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ने जा रहा है इसका? कार्यकर्ता जो भी हैं वो अपने आप को बहुत ही उन्होंने काम किया था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा गौरव महसूस कर रहे हैं। उनका काम जो उन्होंने किया क्षेत्र में निकल के, निचले स्तर से जो कार्यकर्ता वो भी ये सब यहाँ पे आए थे और योगी जी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पे सब में बहुत ही हर्ष है और सब इसको दिवाली और होली की तरह मना रहे हैं। आपने देखा ये कुछ वो महिलाएं थी जिनका ये कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले साल में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्य किया था उसी का परिणाम है जो उन्हें 2022 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना पड़ा और अब यह महिलाएं फिर आश्वस्त हैं कि जिस तरह पिछले 5 साल कानून व्यवस्था की और महिला सुरक्षा के लिए प्रमुख जिम्मेदारियां थी योगी आदित्यनाथ की, वही भविष्य में और आगे अच्छी होंगी। जनपद लखनऊ से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नीतीश मिश्रा।